गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वॉइस की। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि सेंटेंस कौन सा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है, तभी हम लोग उसको उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले देखा जाएगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हमें उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है उसमें लिखा है द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो गेव है वो आपका सेकंड फॉर्म है। इससे आपको ये मालूम चलता है कि ये सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस है, बिकॉज इसमें सेकंड फॉर्म दी गई है, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे साथ ही इसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट का रूल सिखाया हुआ है। हिम आपका भी एक ऑब्जेक्ट है और आ रिवॉर्ड भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को। अगर आप हिम को आगे लाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा आप हिम को आगे लाइए, आप लिखेंगे यहाँ पे ही। ओके, उसके बाद ये सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो सेकंड फॉर्म का जब आप पैसिव बदल रहे होते हैं तो आप उसमें वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, ही के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। उसके बाद लिखते हैं आ रिवार्ड, और उसके बाद लिखते हैं बाय द किंग। लेकिन अगर आप जो है आ रिवार्ड को आगे ला रहे हैं तो आप लिखेंगे आ रिवार्ड। ओके, वॉज गिवन, अब ये जो हिम आया हुआ है हिम को आप टू हिम करके लिखेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैं पैसिव पूरा एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया था। और उसके बाद लिखेंगे बाय द किंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द टाइम टू क्लोज द ऑफिस। इट इज़ टाइम वाला जो होता है उसको हम लोग इट इज़ टाइम, और उसके बाद फॉर लिखते हैं, उसमें आपको याद आ रहा होगा इट इज़ टाइम फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ऑफिस है, तो इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस। और जो आपका टू क्लोज है उसको हम टू बी क्लोज्ड में बदल देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, और कट के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे मालूम चलता है और कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। पहली बात कैसे मालूम चला कि ये जो टेलीग्राफ है ये एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कभी भी वर्क नहीं करता है, उसको कभी भी आगे नहीं रखा जाता है, और यहाँ पे टेलीग्राफ वायर्स आगे रखा है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीन लिखा हुआ है और बीन के बाद फिर एक वर्ब है। इट मीन्स ये आप एक आपका एक पैसिव सेंटेंस है। तो अगर आपको कभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना दिया जाए, यानी बाई करके नहीं दिया हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वाले में आपको मैंने जो रूल बताया था उसमें मैंने बताया था कि बाई करके लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो यही इन्होंने किया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर शायद समवन लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे समवन या एवरीवन या एनीबडी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वन भी लिख सकते हैं, ओ एन ई वन, मैं यहाँ समवन लिख दिया। समवन के साथ आप हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़, फिर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की कट ही रहती है, द टेलीग्राफ वायर्स। ओके, ये आपका टेलीग्राफ वायर्स हो गया। अब अगर सोच के देखिए, अगर ये वाला सेंटेंस आया होता है तो आप उसको ऐसे ही बनाते, क्योंकि वहाँ पे बाई समवन का यूज़ आप ना करते। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हु गेव मी दिस बुक। आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया हुआ है हु वाला, हु वाले में आप क्या करते हैं कि उसमें बाई हुम का यूज़ करते हैं, तो आपने कर लिया बाई हुम। ओके, बाई हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी,
तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज आएगी। वॉज इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, उसका पैसिव में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे बाय होम वॉज, और जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी दिस बुक है वो आगे आ जाएगा, दिस बुक है ना। और उसके बाद लिखेंगे टू मी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मी भी आया है, दिस बुक भी आया है। अगर इस सेंटेंस को आप और किसी तरीके से बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि बाय होम वॉज आई सॉरी, इसमें देखिए मैं एक चीज़ भूल गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गेव है और गेव की मैं सेकंड फॉर्म ही लिखना भूल गया, तो यहाँ पर आप गिवन लिख लीजिएगा, ठीक ना। बाय होम वॉज दिस बुक गिवन टू मी, यहाँ पे लिखेंगे आई गिवन दिस बुक, ओके। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप कोई भी तरीका इसमें लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट बीट दिस चाइल्ड, तो यहाँ पे ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसको मैंने चार नियम बताए हैं, मैं यहाँ पे केवल कोई भी एक नियम लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बीट दिस चाइल्ड, ओके। तो मैं इसमें यू आर ऑर्डर्ड वाला जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था वो मैं इसमें लगा दिया है मैंने। फिर देखिए सिक्स वाला लिखा हुआ है कि वाई शुड महेश बी सस्पेक्टेड बाई रमेश, अब देखिए यहाँ पे ये आपका पैसिव सेंटेंस है, तो रमेश को आगे मत ले आइए, पहले देखिए कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई है तो सबसे पहले वाई लिखिए, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही सेंटेंस को रखेंगे। वाई लिखिए, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड दिया गया है तो हम शुड ही लिखेंगे यहाँ पे, वाई शुड, और उसके बाद रमेश को आगे लाइए, ओके। और उस शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए सस्पेक्ट, और उसके बाद महेश, ओके। अब इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव बनाते तो हूबहू ऐसा ही बनता, क्योंकि मॉडल में मॉडल्स जितनी भी होती हैं, मॉडल वर्ब्स जितनी भी होती हैं, कैन कुड शुड, उन सब के साथ बी वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है द क्रू अबैंडन्ड द शिप, तो आप बनाएंगे द शिप अबैंडन्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, द शिप वॉज अबैंडन्ड बाय द क्रू, ओके। क्रू मिस होता है जो नाविक दल होते हैं उसको कहते हैं, अबैंडन्ड मिस होता है छोड़ देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा आई नो दिस, तो आप दिस करेंगे यहाँ पे सबसे आगे दिस करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं उसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं, दिस के साथ इज का यूज़ करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे नोन। और आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं उनके बाद पर्टिकुलर वही प्रीपोजिशन आती है, बाई का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू मी, ओके। ये जो आई है वो बदल जाएगा मी में, और इससे पहले यहाँ बाई मी आप नहीं करेंगे, टू मी का ही यूज़ आप करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।